बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं स्किन केयर के लिए, तो अगर आप मुझसे पूछें कि वो एक ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें जरूर यूज करना चाहिए इन द वेदर ऑफ समर्स, तो मेरा आंसर होगा आपको सनस्क्रीन। यस, सही सुना आपने, सनस्क्रीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन समर स्किन केयर, क्योंकि आप कुछ और स्किन केयर करें या ना करें बट आप अपने सनस्क्रीन को नहीं भूल सकते इन समर वेदर स्पेशली। वैसे तो सनस्क्रीन समर्स हैं या विंटर्स हैं, आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, आपको 12 महीने ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बट अब जबकि हम समर्स में आ गए हैं तो स्पेशली आपकी बॉडी है, आपका फेस है, आपको पूरी बॉडी पर सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो जहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे सनस्क्रीन की जो कि है सन 360 लोशन बॉडी प्लस फेस। और ये सनस्क्रीन एक ऐसा सनस्क्रीन है जो कि बहुत सारी नीड्स को आपको फुलफिल करता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या खास है इस सनस्क्रीन में, चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जिसमें हम बात कर रहे हैं ओरिफ्लेम के न्यू सनस्क्रीन की जिसका नाम है सन 360 डिग्री लोशन फॉर फेस एंड बॉडी। अब जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, आपको एक 360 डिग्री अप्रोच देता है और आपकी फेस और बॉडी को सन से प्रोटेक्ट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर है मल्टी रेज टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आपको मिलता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो कि आपकी फेस और बॉडी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है और अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूवी रेडिएशन से ही प्रोटेक्ट नहीं करता, प्रीमैच्योर एजिंग से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कैंसर। तो सोच के देखिए सन से हमारे स्किन पे कितने सारे डैमेज होते हैं। कई बार हमें लगता है हमारे स्किन में एजिंग हो रही है, हम बहुत फास्ट एजिंग देखने लगते हैं, या फिर हमारी स्किन टैन होती है, या फिर हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे स्किन पे हो रहे हैं। और कई बार ये ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू जो हमारे आसपास का वातावरण है जब वो शुद्ध नहीं होता, उसकी वजह से भी होते हैं। तो इस सनस्क्रीन में ऐसा क्या खास है, अभी जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर है मल्टी रेज टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ ये इसके अंदर विटामिन ई। अभी मैंने आपको बोला कि कई बार हमारा जो एनवायरमेंट है उसके अंदर पॉल्यूशन होता है, विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि जितने भी हमारे आसपास में पॉल्यूशन या सनलाइट की वजह से एग्रेसर्स होते हैं उनसे फाइट करके हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर देता है। ये कोई नॉर्मल सा सनस्क्रीन नहीं है, ये एक ऐसा सनस्क्रीन है जिसके अंदर है क्लाउड बेरी एक्सट्रैक्ट एंड नॉर्डिक एक्सट्रैक्ट। अभी क्लाउड बेरी एक्सट्रैक्ट होता क्या है, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट गोल्ड इन स्वीडन। तो ये फॉरेस्ट गोल्ड जो होता है इसमें बहुत हाई कंटेंट होता है शुगर का, जिसकी वजह से जब हमारे स्किन में जाता है ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर बहुत ही हाई कंटेंट विटामिन ए सी और ई का, और साथ ही साथ इसमें पॉलीफिनॉल्स भी हैं जिसकी वजह से हमारी बहुत हाई प्रोटेक्शन देता है यूवी रेज से। इसके साथ ही इसमें है नॉर्डिक एक्सट्रैक्ट्स, और नॉर्डिक एक्सट्रैक्ट्स के अंदर होते हैं हाई लेवल्स ऑफ शुगर्स, मिनरल्स एंड पॉलीफिनॉल्स जो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं जब आप सिर्फ घर के अंदर नहीं होते या नॉर्मली बाहर नहीं होते, बल्कि जब आप बहुत एक्टिवली बाहर होते हैं तो भी आपके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करते हैं। तो ये एक ऐसा सनस्क्रीन है जो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता, कोई वाइट ड्यू नहीं छोड़ता आपके स्किन के ऊपर, और उसके साथ साथ बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा हाई SPF 30 के साथ है, यानी कि आपको देता है एक हायर प्रोटेक्शन। ये स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ नहीं बोलूँगी मैं इसको, ये वाटर रेजिस्टेंट है, हाई वाटर रेजिस्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा स्वेट प्रूफ भी है, यानी कि जब आप बाहर होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है, तब भी आपके स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है। अब आपको इसको यूज़ करना ऐसे करना है, आपको इसको यूज़ करना है क्लींस स्किन के ऊपर। नॉर्मली मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब आप अपना एक फेस वॉश कर लेते हैं, अपना स्किन केयर रूटीन यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका एक जेनरस अमाउंट लेकर आपको अच्छे से अपने पूरे फेस और बॉडी पर उसको अप्लाई कर लेना है। हमेशा बोला जाता है कोई भी SPF हो, आपको हमेशा हर SPF को आफ्टर 2-3 आवर्स जरूर रीअप्लाई कर लेना चाहिए। और स्पेशली अगर आप बाहर हैं, अपनी स्विमिंग करी है या फिर
आप बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आप ज़रूर मेक श्योर करिए कि आप अपने ये सन 360 को दोबारा से ज़रूर अप्लाई कर लें। सन 360 क्या कोई भी SPF है अगर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको SPF को रिपीट ज़रूर कर लेना चाहिए आफ्टर 2 to 3 hours। और एक आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका स्किन केयर रूटीन, उसके बाद होता है आपका सनस्क्रीन और उसके बाद आप लगाते हैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को। तो इस तरह से रहता है आपका एक रूटीन। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, मुझे कोई स्किन केयर रूटीन का कोई और प्रोडक्ट नहीं लगाना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने फेस को क्लीन करेंगे, उसके बाद आप SPF 30 को लगाएंगे एंड देन आप उसके बाद लगा सकते हैं अपना कोई भी CC क्रीम या जो भी आपको अपना फाउंडेशन लगाना है, या फिर आप एज अ टेस्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस हाई परफॉर्मिंग SPF 30 प्रोडक्ट आपकी स्किन वैसे भी बहुत अच्छी और रेडिएंट रहने ही वाली है। तो आई एम श्योर आप ज़रूर परचेज करने वाले होंगे सन 360 को। मैंने ऑलरेडी इसको परचेज कर लिया है अपने लिए, बिकॉज आई बिलीव इन्वेस्टिंग इन माय स्किन केयर ये है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। इसकी ओरिजिनल MRP है 1799 rupees और ये 125 ml की पैकिंग है, गुड इनफ कि आपके पूरे सीजन को बहुत अच्छे से निकाले आपके फेस और बॉडी के लिए। और अगर आप इसको परचेज करते हैं इन द मंथ ऑफ मे तो ये आपको मिलते हैं ओनली ₹4,1299। तो मेक श्योर करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा अपने लिए सनस्क्रीन को लेना, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सनस्क्रीन नहीं है, ये बहुत हाई प्रोटेक्शन देने वाली सनस्क्रीन है। SPF 30 होने के बावजूद ये आपको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देती है। तो चलिए जल्दी से अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर लीजिए। आई एम श्योर कि आपको वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रही होगी, ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे बराबर में लगा हुआ नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लीजिए, सो दैट सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।